सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया को अच्छी टीम मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम आपको क्रिकेट जगत के उस दिग्गज बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने डेब्यू मैच में ही छक्कों की हैट्रिक जड़ डाली थी। हालांकि अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन बाद के बाद ही इस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर डाली थी। ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं। राहुल द्रविड़ ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से भी ज्यादा रन बनाने के बाद 2011 में अपने T20 करियर का डेब्यू मैच खेला था। इंग्लैंड के खिलाफ इस डेब्यू मैच में राहुल द्रविड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 छक्के जड़ डाले थे। इस पारी द्रविड़ ने 147 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बनाए थे। इस तूफानी पारी से द्रविड़ ने साबित कर दिया था कि वो टेस्ट और वनडे के साथ ही T20 क्रिकेट के लिए भी मिस्टर परफेक्ट हैं। इसके बावजूद राहुल द्रविड़ ने सिर्फ एक T20 मैच खेलने के बाद ही युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। दोस्तों क्या राहुल द्रविड़ को और खेलना चाहिए था या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट करें और आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।